सो चिल्ड्रन, टुडे इट्स 2nd अक्टूबर। व्हाट डू यू नो अबाउट 2nd अक्टूबर? हाँ, सर गांधी जयंती सर। गांधी जयंती। अच्छा, गांधी जी का पूरा नाम पता है आपको? सर मोहनदास मोहनदास करमचंद करमचंद गांधी। गांधी। श्री मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, गांधी जी को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? उनको कौन सा टाइटल मिला है? बापू बापू। और बापू इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, दैट इज राष्ट्रपिता। वो हमारे पूरे देश के पिताजी हैं। ठीक है, इसका मतलब गांधी जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से पूरे देश ने उनको अपने देश का फादर के रूप में एक्सेप्ट किया। अच्छा, गांधी जी के बारे में कुछ आप बता सकते हैं खुशी? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो निशांत। सर खेड़ा गुजरात में सर खेड़ा की पोरबंदर? पोरबंदर पोरबंदर। सर सर पोरबंदर में। अच्छा, अहमदाबाद में गांधी जी का जो आश्रम है, उस आश्रम का नाम क्या है? सर साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम, क्योंकि इट इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर्स साबरमती। साबरमती जो रिवर है वो अहमदाबाद में पूरे सिटी के सेंटर में ही बहती है और दोनों साइड सिटी है। ठीक है, उस रिवर के ऊपर एक पुल है और जहाँ पे पुल खत्म होता है उसी पुल से जस्ट लगा हुआ है साबरमती आश्रम, मेरा देखा हुआ है। अच्छा, गांधी जी के कुछ कंट्रीब्यूशन आप चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी क्या थे? ही वॉज ए बैरिस्टर। ठीक, बैरिस्टर मीन्स उस समय ये पोस्ट थी बैरिस्टर, आज के डेट में हम क्या बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़े एडवोकेट थे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल्स के जितने भी केसेस होते थे उसके लिए गांधी जी केस लड़ा करते थे। बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने कहाँ से ऑब्टेन की थी? साउथ अफ्रीका सर लंदन लंदन से। वो साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ पे केस लड़ने के लिए, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड साउथ अफ्रीकन्स। अच्छा, इंडियन इंडिपेंडेंस में उन्होंने उनके जो आंदोलन चले, ठीक है, वो कौन कौन से आंदोलन थे कुछ आपको पता है? सर सत्याग्रह असहयोग सत्य आंदोलन सत्याग्रह है, और असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च है, सॉरी ठीक है, जिसमें उन्होंने सविनय नमक अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, तो ये डांडी कहाँ पे है? डांडी का क्या इम्पोर्टेंस है? सर गुजरात में गुजरात में है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर गुजरात में। नवसारी डिस्ट्रिक्ट से 18 किलोमीटर्स दूर है डांडी। ठीक है, ओनली 18 किलोमीटर्स। ठीक है, तो वहाँ मैं गया हूँ। वहाँ पे क्या है, डांडी के आसपास के जो पूरा एरिया है, कोस्टल एरियाज है, वहाँ सब जगह क्या होता है, नमक की खेती होती है। बड़े बड़े खेत बनाए जाते हैं, उन खेतों में समुद्र का पानी भर के इवेपोरेशन किया जाता है। इवेपोरेशन, वहाँ आप जाओगे तो आपको गेहूं चावल की फसलें नहीं दिखाई देगी, बड़े बड़े खेतों में नमक ही दिखाई देगा। और वहीं पे जो कोस्टल एरिया जो एकदम सी शोर है, वहाँ पे गांधी जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। और मूर्ति में गांधी जी ने क्या किया था, जो नमक कानून लाए थे ब्रिटिशर्स, उस नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था, खुद से नमक का प्रोडक्शन चालू किया था। तो डांडी का जो समुद्र है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, उसमें हमने नहाया भी है। ठीक है, और जब नहा के निकले हमारे पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे। ठीक है, और तब से आज तक सफ़ेद है। ठीक, ऑल राइट। सो टुडे मोस्ट ऑफ द टीचर वुड बी टॉकिंग टू यू रिलेटेड टू ग्रेट एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी। बट इसके अलावा, गांधी जी के अलावा भी एक और महान हस्ती थे हमारे देश में जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वो कौन थे? श्री लाल सर बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री लाल लाल बहादुर, बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे, हाँ, लाल लाल बहादुर बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के क्या थे? 2nd प्राइम मिनिस्टर। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी डेथ के बाद फिर कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। आज चलिए हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, जिसमें आप उनके पूरे जीवन और उनकी स्टोरी के बारे में आप समझ पाएंगे। गांधी जी के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कई बार टीचर से सुना है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपने बहुत कम सुना है, बहुत कम जानते होंगे। ठीक है, मैं भी आपको एक स्क्रीन शेयर से लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के ऊपर एक वीडियो सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, और वो जीवन की, उनके जीवन की जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज एवर लास्टिंग है, वो आज हमारे लिए भी प्रासंगिक हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो मैं कोशिश करता हूँ इफ इट वर्क्स प्रॉपरली। अच्छा बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। अब वीडियो की आवाज आ रही है आपको? अच्छा आपकी स्क्रीन में आ रहा है कुछ? सर स्क्रीन पे यस तो आ सर। गया पर वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रही। स्क्रीन में कुछ आ रहा है? यस सर। सर गूगल खोला आपने? ये लेसन्स इन चाइल्डहुड नाम से कोई आ रहा है स्क्रीन में आपके? बोलो। सर हेलो, यस और नो? नो सर एक सेकंड, नो मैं सर दोबारा शेयर। ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ अभी। सर आ सर अब गया। आ रहा है? आ रहा है। सर हाँ सर अच्छा, आ जब गया आ मैं गया। वीडियो को प्ले करूंगा तो उसका ऑडियो आपको आ रहा है कि नहीं आप मुझे बता देना, ठीक है? जिक्र है जो हम बिल्कुल इस पे देखेंगे। क्या होता है, एक बार बचपन में ऑडियो आ परिवार रहा है बाबा बच्चों? आ रहा है। शास्त्री हर एक चलिए ठीक है, आप सर आ लेसन रहा देते है। हैं ध्यान नियम उनके चलो हर एक सुनो, फिर इंसिडेंट अपन बाद से। में बात करते हैं इसे, है एक ना? बार पहले गार्डनर सुन लो होता आप है पूरा। तो लाल बहादुर शास्त्री बाग में जाते हैं, फूल तोड़ लेते हैं। तो वहां का जो माली है, गार्डनर है, वो आता है, कहता है अरे क्या कर रहे हो, फूल क्यों तोड़ रहे हो? चिल्लाता है उनके ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री रोने लगते हैं, 8 साल के होते हैं। तब वो गार्डनर को बुरा लगता है और लाल बहादुर शास्त्री को समझाते हैं कि देखो बेटा, बिना पूछे किसी की चीज मत लिया करो, तुम मुझसे पूछ लेते एक बार। ये बात उनको एहसास होता है और ये जो बात है उनके जीवन भर चलती है उनके साथ, और ये बात वो जीवन भर अप्लाई करते हैं कि बिना पूछे कभी भी किसी की भी चीज वो नहीं लेते थे। और इसी ने उन्होंने बोरो ही करना छोड़ दिया। वो कभी भी पैसे को बोरो नहीं करते थे। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत है लेकिन एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनको नदी पार करनी होती थी, गंगा को पार करना होता था, है ना? अब उनका स्कूल गंगा पार, उस समय ब्रिजेस तो थे नहीं, नाव से जाना पड़ता था। ये बहुत फेमस भी स्टोरी है वैसे, नाव से जाना पड़ता था। बोटमैन जो था वो बोलता था बेटा मेरी नाव पे बैठ जाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बोलते थे नहीं, मैं एहसान आपका नहीं लूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपसे या कुछ किसी से शिकायत है, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरे उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि आपका मैं पैसा मार रहा हूं। उस एक इंसान की जगह गिर के मैं आपके पैसा मार रहा हूं। और वो पूरी की अपने यूनिफॉर्म को सर पे लाद के पूरी की पूरी नदी पार करते थे वो। ये डिटर्मिनेशन थी। एक बार मेले में उनकी माँ पैसे बोरो करती है, वो उस पैसे से मेला देखने नहीं जाते। गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता है, स्ट्रगल करते हैं वो लाइफ में। उस मेले से वो कहते हैं कि नहीं, जब तक हम लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब तक हम लोग नहीं कमाएंगे, तब तक हम किसी के भी पैसे बोरो किए हुए पैसों से मेला देखने नहीं जाएंगे। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, उनके जो टीचर थे निर्मल केशवर प्रसाद मिश्रा, तो वो स्कूल में उनके हेडमास्टर होते हैं, तो वो इंग्लिश पढ़ाते हैं बेसिकली। तो उनको एक क्या कहते हैं कि असाइनमेंट देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, सबको देते हैं वैसे कि क्लास में। अब भैया लाल बहादुर शास्त्री के पास बुक खरीदने तक के पैसे नहीं होते, तो उनका जो दोस्त होता है उनसे वो बुक उधार लेते हैं। रात भर मेहनत करते हैं, टेस्ट होता है अगले दिन, रात भर मेहनत करते हैं, पूरी बुक को कॉपी में उतारते हैं, रात पूरी रात भर पढ़ाई करते हैं, अगले दिन क्लास में अव्वल आते हैं, बहुत खुश होते हैं टीचर। लेकिन उसके बाद उस इंसिडेंस में उनके ऊपर गुस्साते भी बहुत हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक अपने साथ नहीं लाए होते हैं शास्त्री जी। तब वो बोलते हैं कि बेटा ये तो बहुत इनडिसिप्लिन हो ना तुम, ठीक है तुम अव्वल आए लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, तुमको अपनी किताबें भी, अपना सामान भी तो साथ लेने चाहिए था। चिल्लाते हैं, थोड़ी बहुत मार भी पड़ती है, बहुत रोते हैं शास्त्री जी को दुख होता है।
तब उनके दोस्त जो होते हैं जिनसे बोरो की होती है वो जाके टीचर को समझाते हैं कि सर वो इतने गरीब हैं कि बुक तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने मेरी बुक उधार लेके ये सारा काम किया था। दिल जो है एकदम नरम पड़ जाता है टीचर का, और उसके बाद वो पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो खुद कराते हैं शास्त्री जी को, और पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं, एक पिता पुत्र का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये सब चीजों से हमको एक चीज मालूम पड़ती है कि लाल बहादुर शास्त्री कभी अपनी वैल्यू से समझौता, अपने उसूलों से समझौता नहीं करते थे। लाल बहादुर शास्त्री वर्मा बेसिकली उनका जो सरनेम होता है वो हटा देते हैं, कायस्थ लोग कायस्थ होते हैं बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री, तो वो हटा देते हैं और सिर्फ लाल बहादुर अपना नाम रखते हैं, क्योंकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। 1925 में जब वो ग्रेजुएट होते हैं विद्यापीठ से, तब उनको शास्त्री जी का टाइटल मिलता है, क्योंकि शास्त्री जी मतलब होता है स्कॉलर, जिसको हर एक चीज की नॉलेज हो, और लाल बहादुर शास्त्री इतना पढ़ लिए होते हैं अब कि उनको बहुत नॉलेज हो जाती है। और बहुत ये सब चीजों से मालूम पड़ता है कि उनका लेवल क्या था, वो किस लेवल के इंसान थे। वो बचपन से ही उनका बहुत ही गजब एक फर्म डिटर्मिनेशन था कि मुझे जो अगर ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आगे लेसन्स ऑफ वैल्यूज हम देखेंगे, इसमें हम देखिए इनकी जो वाइफ है ललिता शास्त्री, इनसे इनकी ललिता शास्त्री से इनका विवाह हुआ था। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जितने महान लोगों की जो वाइफ देखेंगे ना वो भी उतनी ही महान होती है। कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बिल्कुल सत्य वचन। ललिता शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री से बिल्कुल कम नहीं थी, वो बिल्कुल सपोर्ट करती थी, वो एक रोटी कम खा लेंगी, वो भूखी रह जाएंगी, लेकिन अपने पति के खिलाफ नहीं जाती थी, क्योंकि उनके पति बिल्कुल सही के खिलाफ, ऐसे भी कौन जाएगा, सही के खिलाफ थोड़ी ना कोई जाता है, जो जाते हैं उनको उनका फल मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ललिता शास्त्री एक बार क्या होता है कि लाला लाजपत राय, देखिए इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हालांकि अगले पार्ट में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बहुत बढ़ चढ़ के मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, गांधी जी के बहुत क्लोज आते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बहुत क्लोज आते हैं, जेल में भी जाना पड़ता है, लेकिन वहां से भी वो क्या कहते हैं कि एक फैमिली मैन होते हैं। टाइफाइड भी एक बार हो जाता है उनकी, मतलब उनके फैमिली में, तब भी वो बहुत वहां से खोज खबर लेते रहते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं, मतलब बच्चे ठीक है कि नहीं, सारी चीजें वो खोज खबर लेते रहते हैं। और अगर परिवार में कोई टेंशन भी होती है तब भी ललिता शास्त्री उनको जाहिर नहीं होने देती हैं। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट है, एक बार क्या होता है कि लाला लाजपत राय सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन करते हैं, तो इसके लीडर होते हैं, वन ऑफ द लीडर्स होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो उससे उस सोसाइटी से उस ग्रुप से लाल बहादुर शास्त्री को पैसे आते हैं, 50 रुपए कुछ मिलते हैं। तो वो अपनी वाइफ जो होती है ललिता शास्त्री से होती है, उनसे पूछते हैं कि क्या जो पैसे मैं भेज रहा हूँ तुमको ठीक पड़ रहे हैं, कम तो नहीं पड़ रहे हैं। ललिता शास्त्री जवाब देती हैं कि अरे जो तुम पैसे भेज रहे हो बल्कि वो ज्यादा पड़ रहे हैं, हमारा तो 40 रुपए में ही गुजारा हो जाता है, वो 10 रुपए में बचा लेती हूँ। तब लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते हैं, आज से मुझे 40 रुपए भेजो तुम लोग, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के हेड से कहते हैं कि आप 40 रुपए भेजिए, 10 रुपए जो है वो उनको दीजिए जो सर्वेंट है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे ये पता चलता है कि कितने डाउन टू अर्थ थे और कितना वो लोगों के लिए सोचते थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो दिल था ना वो पीजेंट्स लेबर क्लास सर्वेंट्स के लिए धड़कता था। और यहां तक कि एक बार उनके जो सपुत्र हैं अनिल शास्त्री, उन्होंने एक सर्वेंट की एक नौकर की बेइज्जती कर दी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पेशली अपने पुत्र को बुलाया और माफी मंगवाई कि माफी मांगो तुमने गलत किया है। आजकल छोटी छोटी बातों पर रेजिग्नेशन मांग लिया जाता है कि कुछ भी हो जाए, सबको पता है कोई भी अपनी पोस्ट से मिनिस्ट्री से विधायक जो भी होते हैं उसे रिजाइन नहीं करने वाला, लेकिन जबरदस्ती कुछ भी होता है, कुत्ता तक काट ले किसी को, भैया रेजिग्नेशन दो। पहले के नेता क्या होते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने रेलवे मिनिस्टर जो उनका डेजिग्नेशन होता है उसे वो रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म होती है नेहरू जी की तो उसमें एज अ रेलवे मिनिस्टर इनको असाइन किया जाता है। रेल हादसा होता है, एज अ रेलवे मिनिस्टर से वो रिजाइन कर देते हैं कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मेरी, हर तरह के VVIP ट्रीटमेंट को बिल्कुल वो नकार देते हैं। और नेहरू जी की यहाँ पे मैं बात करूंगा, देखो तो नेहरू जी क्या थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त थी,
लंबे चौड़े सुंदर। और वो उन्होंने ऐसा भी देखिए, बहुत पता नहीं काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन मुझे लगता है आप उनके बारे में पढ़िए, बिना पढ़े किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, है ना? ठीक है, आप बिल्कुल पढ़िए और उसके बाद अपनी राय रखिए। तो जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का जो रिलेशनशिप था बहुत ही गजब था। मतलब एक मजाक काफी करते थे नेहरू जी लाल बहादुर, क्योंकि थोड़े छोटे कद के थे, तो जवाहरलाल नेहरू है लंबे चौड़े, तो थोड़े से वो मजाक करते थे। तो एक बार ऐसे एक इंसिडेंट होता है, पार्टी में क्या होता है, एक बार पार्टी हो रही होती है उनके कैबिनेट की, उनके उनके जो कांग्रेस लीडर्स की पार्टी हो रही होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जब पार्टी खत्म होती है तो क्या होता है, चुपके से डिनर टेबल पे चुपके से जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, दो समोसा उठाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की जेब में रख देते हैं। अब उसके बाद वो सार्केस्टिकली कहते हैं, टॉन्ट मारते हुए कहते हैं सबको, जवाहरलाल नेहरू की, देखो देखो भैया शास्त्री जी का पेट नहीं भरा, दो समोसा ले जा रहे हैं। तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी खासियत उनका ह्यूमर, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो बोलते हैं, अरे हम और नेहरू जी एक ही कार में जाएंगे और पार्टी तो अभी शुरू हुई है, समोसा पार्टी कार में करेंगे, यहाँ तो खाली डिनर है। तो सब बहुत हंसते हैं। और उसके बाद वो एक चीज और ऐड करता है कि अगर हम दोनों समोसा नहीं खाया तो जो ड्राइवर है वो खा लेगा। तो नेहरू जी बहुत ही खुश होते हैं इस जवाब से। बहुत ही विटी नेचर था, बहुत ही ह्यूमरस नेचर था। अपने अपनी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड 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 से लाल बहादुर शास्त्री सबको हरा देते थे। एक बार क्या होता है कि एक रिपोर्टर उनसे पूछता है, जब ताशकंद एग्रीमेंट होता है और जो इंडो पाकिस्तान वॉर होती है, तो रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि अयूब खान जो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बहुत लंबे चौड़े, शास्त्री जी बहुत छोटे कद के, तो उनसे पूछते हैं कि वो इतने लंबे चौड़े, अब मजाक तो भाई उड़ना ही है, शास्त्री जी का छोटे कद के हैं, मैंने आपको पहले बताया, आप इतने छोटे कैसे हैंडल करते हो भैया? तब शास्त्री जी जवाब देते हैं कि मैं सर उठा के बात करता हूं और अयूब सर नीचे झुका के बात करते हैं, मेरा कद ऊंचा है इसलिए उनसे। सब शांत हो जाते हैं, ऐसे ही नेचर था। तो एक बार और, चलिए ताशकंद अगर एग्रीमेंट की बात चलिए, तो एक बार और मैं एक और इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूं कि जो रशिया के प्रेसिडेंट होते हैं उस समय, कौन थे रशिया के प्रेसिडेंट ताशकंद एग्रीमेंट के समय, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो उनको कोट गिफ्ट करते हैं और वो बहुत ही मखमली सा कोट होता है, बहुत ही मखमली सा होता है, और ठंड बहुत होती है रशिया में, आपको पता ही है नॉर्थ पोल के करीब है तो ठंड तो होनी है, तो काफी ठंड होती है। तो क्या होता है कि कोट उनको गिफ्ट करते हैं और शाम को जब पार्टी होती है तो वो चाहते हैं कि वो कोट पहन के आए, लेकिन भैया हमारे लाल बहादुर शास्त्री धोती कुर्ता स्टाइल सिंपल इंसान, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले इंसान होते हैं, वो भैया पार्टी में जाते हैं वो कोट नहीं पहनते हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपने कोट क्यों नहीं पहना? तब वो बोलते हैं, देखिए मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे पास तो लग्जरी है। वहां जो एक इंसान था जो ड्राइवर है, उसके पास उस इंसान को इस कोट की ज्यादा जरूरत है, वो ये सारी चीजें हो सकता है अफोर्ड ना कर सके। बहुत इंप्रेस हो जाते हैं रशिया के प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ये सब जो लेसन्स हैं ये आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें इंसान को बनाती हैं, है ना? तो ये सारी चीजें थी, अपने वैल्यूज से कभी समझौता नहीं करते। सबसे बड़ी बात जो भैया आज के जमाने में तो बिल्कुल खो गई है, कोई पंचुअल ही नहीं है। आप बुलाएंगे किसी को 10 बजे, वो आता है 11:30 बजे, ये बड़ी गलत बात है ना? पंचुअलिटी का लेसन उनसे बहुत ज्यादा, या तो आप बता दो, अगर आपका कोई प्लान डिले हो रहा है आप बता सकते हैं कि हाँ देखो मैं इस टाइम नहीं आ पाऊंगा, या कोई प्रोजेक्ट भेजना है तो अगले बार भेजूंगा या इस टाइम भेजूंगा, थोड़ी कुछ रीजंस की वजह से डिले होता है ना? तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं कि एक बार उनको जाना होता है दिल्ली, मतलब बाहर जाना होता है दिल्ली से कहीं, तो उनके वो अपने बेटे से भी बोलते हैं अनिल शास्त्री की, ऐसा है चलो तुम भी चलो मेरे साथ। बहुत खुश होता है अनिल शास्त्री, 8th क्लास में पढ़ते हैं उस समय, बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह मैं बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा। 8:30 बजे की फ्लाइट होती है, मतलब 8:30 बजे उनको निकलना होता है लाल बहादुर शास्त्री को, 8:30 बजे एग्जैक्ट बोल देते हैं एक दिन पहले अनिल शास्त्री से कि मैं इतने बजे निकलूंगा। अनिल शास्त्री पहुंच नहीं पाते हैं 8:30 बजे तक, 8:35 पे लाल बहादुर शास्त्री निकल जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ है ललिता शास्त्री, वो उन पे बहुत गुस्सा आती है लाल बहादुर शास्त्री से कि 5 मिनट खाली लेट हुआ और आप इसको छोड़ के चले गए। तब वो लाल बहादुर शास्त्री समझाते हैं, देखो ये एक लेसन है इसके लिए, आगे से ये टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, इस 5 मिनट को भी हमेशा रिस्पेक्ट देगा, जो टाइम है
वो टाइम है, और टाइम के बहुत ही ज्यादा पाबंद थे, बहुत ज्यादा पाबंद थे लाल बहादुर शास्त्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किसी भी तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया अपने सिंपल में कभी भी। यहां तक कि जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी तो उनके पास एक पैसा नहीं था, रहने तक को घर नहीं था। तब इंदिरा गांधी ने, क्योंकि नेहरू जी से टर्म इनके इतने अच्छे थे और इंदिरा गांधी से भी बहुत अच्छे थे, तब इंदिरा गांधी ने इनको सपोर्ट किया था और इनकी पूरी फैमिली को संभाला था। इनके पास कार तक नहीं थी, इनके बच्चे जो थे वो तो जो तांगा नहीं होता है उससे जाते थे। और इनके बच्चे एक बार बहुत जिद करते कि पापा हम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, प्लीज एक कार तो ले लीजिए, एक कार तो ले लीजिए, क्योंकि इनके ऑफिस, इनको इनके ऑफिस की कार मिली थी। और उसूलों के बहुत पक्के लाल बहादुर शास्त्री, तो बोलते थे वो, उन्होंने बोला कि चलो हम ले लेते हैं। लोन पे वो कार ली थी, फिएट लोन पे उन्होंने लोन लिया था बैंक से, कार ली थी 12,000 का। और यहां तक कि जब उनकी डेथ होती है तो वो लोन पूरा चुक नहीं पाता है, इनकी फैमिली के पास पैसे ही नहीं होते। तब इंदिरा गांधी रेस्क्यू के लिए आती है। इंदिरा गांधी पूरा लोन माफ कर देती है उस समय, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट लेती है, वो पूरा लोन माफ कर देती है, कहती है नहीं कोई बात नहीं, और पूरी की पूरी फैमिली को एक रहने का घर देती है और सपोर्ट करती है इंदिरा गांधी उस समय। उन्हें ये लीडर्स, लीडर ऑफ द लीडर्स थे लाल बहादुर शास्त्री। वीआईपी ट्रीटमेंट को आप, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विधायक निकलता है तो पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है ना, ऐसे बिहेव करते हैं कि पता नहीं कहाँ के राजा हो। एक बार उनको कलकत्ता के लिए निकलना होता है, रश बहुत होता है, मतलब दिल्ली के लिए निकलना होता है कलकत्ता से, और रश बहुत होता है रोड पे। तो कमिश्नर कहता है कि आप परेशान होते हैं, मैं रोड ब्लॉक करवा दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री सरे से नकार देते हैं इस बात को, बोलते हैं कि मेरी वजह से पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं भगवान नहीं हूं, चला जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे पब्लिक परेशान हो। और पब्लिक से याद आया, लाल बहादुर शास्त्री हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल थे, और ईमानदारों के लिए तो खास तौर पे एक्सेसिबल थे, और हर कोई इंसान इनसे आके मिल सकता था, कोई भी चीज उनसे डिस्कस कर सकता था। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही ह्यूमिल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छे इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, देखो ये तो शायद एक, मुझे लगता है कि इन्हीं को ही देख के ये कोट सबसे ज्यादा फिट बैठती है। धोती कुर्ता पहनते थे, बहुत ही हिंदी भाषी इंसान थे, वेजिटेरियन थे, प्योर वेजिटेरियन थे, नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाते थे। और इन सब के बावजूद, ये तब तो सिंपल लिविंग है, इसीलिए लोग, वही तो बता रहे ना कि आजकल यही तो पहनावा, सुंदरता, कैसे आप बोल रहे हैं, अंग्रेजी अच्छी आ रही है तो आप बहुत महान है। अरे ये सब क्या है यार, ज्ञान की इज्जत होनी चाहिए ना, आप किसी को ऐसे जज थोड़ी ना कर सकते हो। आईएएस जो बनते हैं, यूपीएससी बनते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, आप देख लीजिए, मैक्सिमम बहुत ही सिंपल होते हैं, पढ़ाई में रहते हैं, लेकिन वो महान बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, महान तो नहीं मतलब आईएएस बन जाते हैं, इतना इतनी मेहनत करके। क्या कोई भी कंपटीशन आप ले लीजिए, जो भी, मैक्सिमम लोग आप देखेंगे बहुत सिंपल होंगे, दिखावा वही करता है जिसको ज्यादा इतना वो नहीं होता है, इतनी समझ नहीं होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का बहुत मजाक उड़ाया जाता था, मतलब मजाक इन द सेंस की, मतलब इनको बहुत ही सीरियसली कभी कभी नहीं लेते थे लोग, है ना। और ये थोड़ा सा बुरा भी लगता था लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन इनकी कैबिनेट जो थी, नेहरू जी इनको बड़ा सीरियसली लेते थे, इनकी डिप्लोमेसी स्किल इतनी गजब थी, इतने गजब के नेगोशिएटर थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना तो लाल बहादुर शास्त्री को ही बुलाते थे नेहरू जी, की भैया जाके उसको सॉल्व करो, तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, जाके उसको समझाओ, यूपी में ऐसी क्राइसिस है, उसको समझाओ, डेडलॉक क्रिएट हो गया है, उसको हटाओ, ये सिर्फ तुम कर सकते हो। और इसीलिए इनको हर टास्क के लिए इनकी पार्टी जो है वो सबसे पहले बुलाती थी कि आप आइए, और यहाँ पे किसी में हिम्मत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में तो इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस ही खोल दी शुरू में पाकिस्तान ने, ये हम अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से करेंगे। पाकिस्तान में कुछ एरियाज ऑक्यूपाई कर लिए थे और उस समय इनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, हम एक वॉर पहले ही हार चुके थे, लेकिन जब इंटरनेशनल बॉर्डर, जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाई कर लिया और मिलिट्री वालों ने बोला कि अगर हम कुछ नहीं करते तो जम्मू एंड कश्मीर हम खो देंगे, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर खुलवा दी कि ये इधर, ये जम्मू एंड कश्मीर कब्जा कर लेना, तुम जाके पाकिस्तान पे कब्जा करो, ऐसा हो गया था।
ये सारी चीजें थी। बहुत ही गजब के इंसान थे, बहुत ही सिंपल रहते थे, जमीन में बैठ के खाना खाते थे, हर किसी से बात करते थे, हर किसी को अपना समझते थे, हर किसी के लिए केयर करते थे, लेकिन थिंकिंग ऐसी थी कि अपने आप को राजा समझते थे। जब भी चलते थे उनकी जो वॉक थी, ग्रेट वॉक ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, बहुत बढ़िया थी। ऐसा लगता था कि कोई राजा आ रहा है। लीडर ऑफ द लीडर्स, भयानक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है ना। बहुत लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, मोरारजी देसाई बहुत इंसिस्ट करते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। काफी चीजें होती हैं, लेकिन कामराज, के कामराज कौन थे ये अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। वैसे मैं बता देता हूँ, चीफ मिनिस्टर थे और इनको किंग मेकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है। वो लाल बहादुर शास्त्री को लेके आए, मतलब लेके क्या है कि उनका बहुत बड़ा रोल था लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। इंदिरा गांधी भी थी, यहां तक कि आपको एक और बात बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री ने एक टाइम पे क्योंकि इंदिरा गांधी इतना ज्यादा दुखी हो गई थी नेहरू जी की डेथ से कि वो सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, तो एक टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने कन्विंस कर लिया था कि आप इंडिया की हाई कमिश्नर हो जाइए ब्रिटेन के लिए। तो अगर ऐसा होता, सोचिए अगर ऐसा होता, तो आज हमारी हिस्ट्री चेंज हो गई होती, क्योंकि इंदिरा गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होती। तो उस समय ऐसा हुआ नहीं, तो इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मना कर देती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं, जब नेहरू जी की डेथ होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत कन्विंस करते हैं कि आप बनिए, लेकिन वो बनती नहीं है। तब लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। पार्टी के डिसीजन से और भी बहुत सी चीजें, बहुत सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी भले ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती है, लेकिन तब भी वो परसुएट करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का पोर्टफोलियो लीजिए। तो इनको तब इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया जाता है। और इंदिरा गांधी भी शुरू में लाल बहादुर शास्त्री से सहमत नहीं होती हैं, लेकिन बाद में जब ये सारी चीजें होती हैं, जय जवान जय किसान, तब उनको लगता है कि यार ये तो एक अलग ही लेवल के इंसान हैं, लीडर ऑफ द लीडर्स हैं ये बेस्ट चीज इनको डिस्क्राइब करेगी। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल, अपनी वॉर स्किल के लिए जाने जाते थे। और यहां तक कि एयर मार्शल अर्जन सिंह ने कहा था, जो कि इंडो पाकिस्तान के उस समय वॉर, मतलब जो हमारे एयरफोर्स के उस समय एयर मार्शल थे, कि इनसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर देश में नहीं हो सकता। जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं और जो इन्होंने कमाल कर दिखाया है, सल्यूट है। एक बार जब इंडो पाकिस्तान वॉर खत्म हो जाती है, 22 दिन की होती है, तो एक बैठे रहते सोल्जर बेड पे, है ना, तो लाल बहादुर शास्त्री सबसे विजिट करने जाते हैं। एक आंख में गोली लगी होती है, बहुत ही घायल पड़े रहते हैं, तो बोलते हैं जवान लाल बहादुर शास्त्री क्या हाल है। तब वो बहुत उनको दुख होता है, जो बेड पे होते हैं सोल्जर, तो कहते हैं कि अरे क्या हुआ। कहता है कि सर मैं आपको उठ के सल्यूट नहीं कर सकता, बस इस बात का दुख है। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। अगले पार्ट में हम देखेंगे जो मैंने अभी आपको जिक्र, तो चिल्ड्रन हाउ वाज इट, बच्चों यस आपने सुना, यस सर कैसी लगी स्टोरी? सर अच्छा था, सर बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ अच्छा था। देखा, है ना। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था, किसी को पता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म वाराणसी जिले में एक स्टेशन पड़ता है मुगल सराय, वाराणसी मुगल सराय। मुगल सराय, ठीक है, इलाहाबाद से करीब 2 घंटे का ट्रेन का रन है, ठीक है। मुगल सराय जब बिहार जाते हैं, उसमें इलाहाबाद से बिहार जाते हैं, तो वहां से 2 घंटे का रन पड़ता है। मिर्जापुर से पहले पड़ता है, मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है ये। अभी उसका रिसेंट में नाम चेंज हो गया है, नाम क्या हो गया इसका, मुगल सराय स्टेशन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स ट्राई टू स्टडी समथिंग अबाउट आर टॉपिक, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नाउ यू कैन,
इज द बोर्ड विजिबल बिहाइंड मी? यस सर. ऑलराइट, सो लेट्स सी. यस्टरडे वी हैड स्टडीड टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, टुडे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ए थ्री डायमेंशनल प्लेन. तो थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ओके, सो वी कैन रिप्रेजेंट an organic molecule on a three dimensional plane by a structure known as wedge and dash representation. Wedge and dashed representation. So on a three dimensional plane, organic molecules can be represented by wedge and dashed representation, which was given by Van 't Hoff and Liebel. किसने दिया था ये? वैंट हॉफ एंड ली बेल. देयर वर टू साइंटिस्ट. द नेम ऑफ वन साइंटिस्ट वाज वैंट हॉफ एंड अनदर वाज ली बेल. बोथ दिस साइंटिस्ट प्रपोज्ड अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर विच दे मेड सम एजम्पशंस. क्या एजम्पशंस लिया था? दे यूज्ड अ बोल्ड लाइन. बोल्ड लाइन मीन्स ये लाइन कैसी डार्क बनाई जो कि ट्रायंगुलर शेप में थी. ठीक, इसको जो ट्रायंगुलर शेप में इस टाइप से उन्होंने स्ट्रक्चर यूज किया दैट वाज कॉल्ड सॉलिड वेज. सॉलिड वेज, ध्यान से समझना. ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या यूज किया? डैश्ड वेज. सॉलिड वेज और ये डैश्ड वेज. This is dashed wedge. Or third, a simple line segment. ठीक है, they use solid wedge for representing the bond which is oriented towards the observer. मान लीजिए कोई एटम है, एटम के न्यूक्लियस से ऑब्जर्वर की ओर. मान लीजिए ऑब्जर्वर आप हैं और ऑब्जर्वर की आंख यहाँ पे है. ठीक है, तो ऑब्जर्वर की ओर जो बॉन्ड ओरिएंटेड था दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड वेज. ठीक है, ये सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट करता है? द बॉन्ड ओरिएंटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. इसका मतलब अगर ये एटम है तो ये बॉन्ड किधर है? इट इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड टुवर्ड्स योर आईज. आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे मेरा हाथ है और ये पीछे बोर्ड है. बोर्ड में टू डायमेंशनल प्लेन पे मान लीजिए एटम है कार्बन, तो इससे परपेंडिकुलरली अपवर्ड टुवर्ड्स योर आई जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सॉलिड वेज से. ठीक, एंड डैश्ड वेज किसके लिए यूज किया गया? द बॉन्ड विच इज ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इन द प्लेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. मतलब यहाँ पे अगर एटम है तो ये जो आपके पेन ये हेड जो है जो आपकी ओर बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट किया गया सॉलिड वेज से. और बोर्ड के ठीक पीछे वॉल की साइड पर एक लीनियर डायरेक्शन 180 डिग्री में जो ठीक पीछे बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया किससे? डैश वेज से. ठीक है, और बाकी जो दो बॉन्ड्स बाकी जो रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया किससे? एक लाइन सेगमेंट से विच रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड ओरिएंटेड ऑन द टू डायमेंशनल प्लेन. ठीक है, ये टू डायमेंशनल प्लेन पे जो बॉन्ड्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल लाइन सेगमेंट्स. द बॉन्ड ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड वेज. एंड द बॉन्ड व्हिच इज ओरिएंटेड इन द लीनियर डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर साइड. मतलब ऑब्जर्वर इधर है तो वो बोर्ड के अंदर, ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर जो होगा उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया किससे? डैश वेज से. सो by using these assumptions, by using solid wedge, dashed wedge and line,
वी कैन रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन ए थ्री डायमेंशनल प्लेन. फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट मीथेन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो मीथेन में क्या होता है एटम, फॉर्मूला ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज CH4. ठीक है, अभी CH4 देखिए क्या हो गया, कार्बन, कार्बन से एक बॉन्ड ऐसा बनाया जो कि कैसा है सॉलिड वेज. ठीक है, तो सॉलिड वेज में क्या होगा, बॉन्ड विल बी, ये जो सॉलिड वेज बनाया जिसको डार्क कलर से है, ठीक है, इसको शेडेड, डार्क शेडेड किया गया है. सॉलिड वेज रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है मॉलिक्यूल को यहाँ पे है. ठीक है, और ये बॉन्ड जो है ऑब्जर्वर की ओर है. ठीक, फिर दूसरा बॉन्ड, एक बॉन्ड उसने ऐसा है जो कि ऑब्जर्वर से ठीक पीछे प्लेन के अंदर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड वेज. ठीक है, डैश्ड वेज इज यूज टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड विच इज ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर साइड. अब उसके बाद टू बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि प्लेनर बॉन्ड्स हैं. ठीक है, अब आप इसको थ्री डायमेंशनल प्लेन में आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, ये वाला जो डैश वेज है वो बोर्ड के अंदर है, और ये जो दो बॉन्ड हैं ये जो लाइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं एक टू डायमेंशनल प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं. सो इन दिस वे चिल्ड्रन वी कैन रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन ए थ्री डायमेंशनल प्लेन बाय यूजिंग दिस एजम्पशंस. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए एक मॉलिक्यूल बनाना है कि सपोज CH3CH2OH, दिस कंपाउंड इज नोन एज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. ठीक है, अब इथेनॉल बनाने का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन ये है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए CH3 ले लेते हैं. ठीक है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, और ये OH हो गया. ठीक, अब ये क्या बन गया कंपाउंड, इथेनॉल CH3CH2OH. इसको देख के हम क्या बता सकते हैं कि CH3 इज ओरिएंटेड, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड CH3 इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर साइड, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH ग्रुप इज ओरिएंटेड जस्ट अपोजिट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर साइड, एंड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड ऑन द टू डायमेंशनल प्लेन. ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हो गए ये टू डायमेंशनल प्लेन पे हैं, जबकि CH3 परपेंडिकुलरली बाहर है ऑब्जर्वर की ओर, और OH परपेंडिकुलरली अपोजिट डायरेक्शन में है फ्रॉम द ऑब्जर्वर. इज इट क्लियर चिल्ड्रन, बोलो, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझ में आया सर? यस बेटा. सर वो डैश्ड वेज के बाद आपने सर जो डायग्राम बनाए थे सर उसका फिगर, हाँ सर वो एक बार सर फिर से बना दीजिए सर, उसमें ब्लर हो रहा था बहुत. मीथेन का? हाँ सर, वो जो उसका आपने बगल में बनाया था सर डैश वेज के. हाँ, तो मीथेन ये हो गया, एच हो गया, यहाँ पे भी एच लगा दो, ये मीथेन मॉलिक्यूल का हो गया, ये डैश वेज है. ठीक है, डैश वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ट्रायंगल रहेगा उसे बीच बीच में डैश करेंगे, सॉलिड वेज में पूरा डार्क कर देंगे. ठीक, ये मीथेन में क्या हो गया, ये डैश वेज हो गया, ये वाला बॉन्ड मतलब ऑब्जर्वर से ये अवे है और प्लेन के अपोजिट साइड में है, ये सॉलिड वेज जो है ये ऑब्जर्वर की ओर है, दो बॉन्ड जो है वो पैरेलल है, पैरेलल मींस प्लेनर है, टू डायमेंशनल प्लेन पे है. यस सर. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर कमिंग इज हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सो इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वी हैड स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस और द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी एंड फॉर्म न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड शेप्स. द एलिमेंट कार्बन इज द सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. And the hybridization of carbon in different types of organic compounds is either sp hybridization or sp2 hybridization or sp3 hybridization. ठीक है, hybridization of carbon in organic compounds.
जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो कार्बन एटम होता है वो या तो sp हाइब्रिडाइज होता है, या sp2 हाइब्रिडाइज होता है, या तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, या कार्बन और कोई भी एटम है दूसरा, जरूरी नहीं कि कार्बन ही हो, कार्बन के साथ जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब भी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अनदर एटम बाय ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली व्हेन कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम और अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, देन द हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड व्हेन देयर एग्जिस्ट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वन कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड अदर एटम्स, आइदर कार्बन और अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन एक्सेट्रा, देन द हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर। ठीक है, sp2 होगा तो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, लीनियर में एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक, अच्छा, जब कार्बन में जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन आपने देख लिया, ये बॉन्ड्स दिख गए, ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 और पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हैड वी स्टडीड द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इथेन एंड इथाइन, मीथेन इथेन इथिन एंड इथाइन इन केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था? बोलो। केमिकल बॉन्डिंग में, अच्छा बच्चों अभी टाइम हो गया यार, इट्स 3:45। ठीक है, रिमेनिंग थिंग विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, सो आई एम कमिंग बैक बिकॉज यू हैव नेक्स्ट क्लास एट 4 o'clock। जो अभी आपने लास्ट बोर्ड से बताया था वो एक बार और बता दीजिए। क्या क्या फिर से बोलो, कौन सा बताना है? सर जो अभी आपने लास्ट बोर्ड से बता रहे थे ना, 2 पाई और 1 वो सब। हाँ बेटा, ये देखो, जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन और किसी एटम के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या क्या होता है? 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। फिर डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। तो वेन एवर देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एनी अदर एटम, देयर विल बी ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। वेन देयर विल बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड एनी अदर एटम, देन देयर वुड बी 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। इफ देयर इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देन देयर वुड बी 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। खुशी? यस सर। ऑलराइट, सो